तो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम कुमार, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल CSP सेवा ऑल इन वन में। और दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग अपने क्यूएस पोर्टल से जब भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारे मन में भी ये सवाल उठता है कि दोस्तों हम जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोगों को कितना कमीशन मिलता है। ये आपके मन में भी सवाल उठता होगा दोस्तों, उठता है तो हमारे कमेंट में ज़रूर बोलना। और दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि दोस्तों हम लोग जो RD, FD, MIP, अकाउंट ओपनिंग, आधार से कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, फंड ट्रांसफ़र वगैरह जो भी चीज़ है हम लोग उसे करते हैं अपने QS पोर्टल से, तो उसमें दोस्तों कितना कमीशन मिलता है। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो रूरल एरिया वाले लोग हैं उनका मैं अभी बता रहा हूँ कि दोस्तों जब हम रूरल एरिया वाले लोग का आधार से जब लेन देन करते हैं, यानी कि जब हम उसका कैश डिपॉजिट करते हैं, तो हम लोग दोस्तों मैक्सिमम जो हाईएस्ट कमीशन है 28 रुपये मिलता है, जो कि एक बार 10,000 जमा करने पर 28 रुपये मिलेगा। और दोस्तों इसका कमीशन जो है ना 3.1% है, जो कि 1,000 जमा करने पर आपको 3.10 रुपये का कमीशन मिलता है, लेकिन हाईएस्ट कमीशन जो है 28 रुपये तक ही है। और दोस्तों यू ब्रांड यानी कि जो सिटी एरिया वाले लोग हैं उनका अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उनमें दोस्तों आप कैश डिपॉजिट पे 24 रुपये मैक्सिमम मिलता है। और दोस्तों इसका परसेंटेज जो है 2.8 यानी 2.80 रुपये 1,000 जमा करने पर मिलता है। और दोस्तों कैश विड्रॉल करने पर यूब्रान यानी सिटी एरिया वालों का कैश विड्रॉल करते हैं तो यही सेम प्रोसेस है, उसमें भी मैक्सिमम 24 रुपये मिलते हैं। और दोस्तों इसका जो कमीशन है 2.8 यानी कि 2.80 रुपये है, 1,000 जमा या निकालने पर 2.80 रुपये मिलते हैं। और दोस्तों बात आती है फंड ट्रांसफ़र की, तो फंड ट्रांसफ़र में आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों फंड ट्रांसफ़र होता क्या है कि फ़ंड ट्रांसफ़र होता है आप आधार से किसी दूसरे बैंक में पैसे भेज सकते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र से, और उसी जिसके में भेजना है उसे आधार नंबर पूछेंगे और उसका आधार जो जिसका कस्टमर है जो आया आपके यहाँ उसका फिंगर लगाकर आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पैसे। तो उसमें दोस्तों फ़ंड ट्रांसफ़र भी आपको बताना चाहूँगा कि कमीशन कितना मिलता है, वही सेम प्रोसेस है दोस्तों तीनों में कि अगर आप रूरल एरिया के लोग हैं तो उसमें आपको कमीशन मिलेगा, मैक्सिमम कमीशन है 28 रुपये। और दोस्तों कमीशन के हिसाब से माना जाए तो 3.1% यानी 3.10 रुपये 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे भी मिलता है, लेकिन मैक्सिमम कमीशन है दोस्तों 28 रुपये। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यू ब्रांड यानी सिटी एरिया के लोग हैं तो उनको मैक्सिमम कमीशन 24 रुपये मिलेगा। और दोस्तों इसमें आपको मिलता है कमीशन 2.8% यानी 2.80 रुपये। और दोस्तों आपको अकाउंट ओपनिंग यानी अकाउंट ओपनिंग पर कुछ शर्त है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग करने पर आपको एक अकाउंट ओपनिंग में 16 रुपये मिलते हैं, लेकिन दोस्तों आप अगर 8 या 9 अकाउंट खोलते हैं तो उसमें दोस्तों आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। आपको जब से पूरा 10 अकाउंट नहीं खोलेंगे तब से उसका कमीशन नहीं जुड़ा जाएगा आपके अकाउंट में। ये आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों कि हम जब भी आपको खाता खोलना है तो आपको काउंटिंग करना है कि मैंने कितना खाता खोला है, उस खाते को आपको गिन लेना है कितना है, 10 हो जाए तब आपको कमीशन मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों आती है बात RD, FD और MIP जो कि फिक्स डिपॉजिट और ऐसे जो भी है, तो RD और FD दोस्तों और MIP पे किसी भी अगर कस्टमर का आप करते हैं तो उसमें मैक्सिमम जो है 4 रुपये मिलते हैं, किसी का भी करिए RD चाहे FD चाहे MIP। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो थर्ड पार्टी डिपॉजिट के नाम से है जो अकाउंट से हम लोग जमा करते हैं तो उसमें भी यही सिस्टम है रूरल एरिया वालों का, जो कि है 3.1 यानी 3.10 रुपये मिलता है, मैक्सिमम है उसका 28 रुपये। और दोस्तों खाता नंबर से दूसरे यानी सिटी एरिया में भेजेंगे तो आपको मिलेगा दोस्तों 24 रुपये मैक्सिमम 2.8% के हिसाब से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।